गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं गुड वाइब्स के प्रोडक्ट के साथ अपने स्किन केयर रूटीन को। एज वी ऑल नो गुड वाइब्स के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे SLS पैराबेन फ्री होते हैं, प्लस ये बिल्कुल भी अफोर्डेबल रेंज में हमें मिलता है और साथ ही साथ इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे इंडिया में होता है। सो मैंने सोचा क्यों ना भाई अब अपने इंडिया के प्रोडक्ट्स को ही ज़्यादा प्रमोट किया जाए, उनकी ही हमें अपने खुद के कंट्री की बनी हुई सारी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। तो इसीलिए आज का जो स्किन केयर रूटीन आप लोग देखने वाले हैं वो सारे गुड वाइब के प्रोडक्ट के साथ ही होने वाले हैं। सो यार विदाउट वेस्टिंग फॉर द डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फेस वॉश यहाँ पे हम सबसे पहले यूज़ करने वाले हैं। हियर आई एम यूजिंग गुड वाइब्स का लेमन फोमिंग फेस वॉश। एज आई रियली लाइक फोमिंग फेस वॉशेस, एज यू ऑल नो लेमन में विटामिन सी होता है। इट हेल्प्स टू ब्राइटन एंड लाइटन आवर स्किन। बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है ये स्किन। सो आप लोग जैसे देख सकते हैं ये इसको मैंने सिर्फ एक पंप ही लिया है और इसको मैं अच्छी तरीके से सबसे पहले अपने हाथ में रब कर लूँगी, फिर इसे हम अपने पूरे फेस पे इसको अच्छी तरीके से हमें इसे अप्लाई कर लेना है। बहुत ही जेन्युइन अमाउंट इसका लगता है। ओके तो अभी अगर हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में तो ये जो है बहुत ही सही है, लाइक बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है इसको अप्लाई करने के बाद। बहुत ही इजीली मेरे स्किन के साथ अब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि ऑयली स्किन टाइप वालों को ना इस टाइप के जितने भी फेस वॉश होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए क्योंकि हमारे स्किन के साथ बिल्कुल भी हार्श नहीं होते हैं, प्लस हमारे जितने भी एक्स्ट्रा ऑयल होते हैं ना उसको निकलने में ये कंट्रोल करता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको मैंने अच्छी तरीके से अपने आई एरिया पर भी कवर कर लिया है। आई में लगाने से ऐसा सच कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। सो यम अब क्विकली मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी। जैसा आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन जो है कितनी ज़्यादा सुपर सॉफ्ट और स्मूथ फील कर रही है राइट नाउ। ओके तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है स्क्रबिंग। सो फॉर स्क्रबिंग हियर आई एम टेकिंग नीम एंड तुलसी का स्किन प्यूरीफाई स्क्रब। तो अगर हम इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं तो देख लीजिए इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है। बहुत ही जेन्युइन अमाउंट लगता है ये देखिए, बहुत ही सही है यार। मैं तो पहले ही इसको यूज़ कर चुकी हूँ। ओके तो अब अगर हम बात करते हैं नीम की तो नीम में ये होता है इट्स अ स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। और तुलसी इट्स एबिलिटी टू इम्प्रूव आवर ब्लड सर्कुलेशन। और ट्रस्ट मी दोनों साथ में मिलकर ना एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन देने में हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से अपने स्किन पे इसको लगा लेना है। ये जो है हमारे स्किन को ना, मैंने इससे पहले भी इसको यूज़ किया है तो ये बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है मेरे स्किन के साथ। आई डोंट नो बाकी अदर स्किन के साथ क्या मतलब होता है कि नहीं, बट यार ट्रस्ट मी ये मेरी स्किन के साथ तो बिल्कुल भी हार्श नहीं होता है। बस यार बहुत ही अब इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेते हैं पहले अपने फेस पे। और इसको अप्लाई करने के बाद अच्छी तरीके से आप हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा मसाज कर दीजिए। इससे क्या होगा जितने भी डेड सर्कल सेल्स होते हैं ना वो सारे अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। और हाँ अपने आई एरिया पे फूल के भी मत लगाइएगा क्योंकि ये स्क्रबिंग है, फेस वॉश नहीं है। तो बस इसको अच्छी तरीके से पहले हम अपने फेस पे इसको रब कर लेते हैं एंड देन मिलते हैं आफ्टर फेस वॉश। इसकी स्मेल की बात करें तो सच में इसमें ना एक नीम और तुलसी वाला जो फ्रेगरेंस आता है ना वो सच में इसमें से आ रहा था। तो मेरे हिसाब से बहुत ही जेन्युइन ये प्रोडक्ट है। सो अब मिलते हैं अपने फेस वॉश के बाद। ओके तो चलिए अब मैं इसको पहले अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। सो या आफ्टर फेस वॉश आप लोग जैसे देख सकते हैं मेरी स्किन जो है ना, मतलब मेरी फेस जो है बहुत ज़्यादा पहले से ग्लोई लग रही है और सच में इसने मेरे स्किन को बिल्कुल भी हार्श जैसा बिल्कुल भी नहीं किया। सो या स्क्रबिंग के सबसे इट्स टू गुड। ओके तो अब मूव करते हैं थर्ड स्टेप की तरफ जो कि है टोनर। तो फॉर टोनर हियर आई एम अगेन टेकिंग गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर। तो इसका जो एप्लीकेटर बहुत ही इजी और सिंपल है, जस्ट इसको ऐसे स्प्रे वाली बॉटल में आता है। इसको आपको यूज़ करने से पहले थोड़ा सा इसको आपको शेक करना है और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिएगा और इसको अच्छी तरीके से आपको अपने फेस पे स्प्रे कर देना है। तो अगर हम लोग ग्रीन टी के बारे में बात करते हैं सो ग्रीन टी हैव एंटी ऑक्सीडेंट दैट हील्स स्कार्स एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन फॉर अ क्लियर स्किन। ये हमारे स्किन की इलास्टिकसिटी जो होता है उसको यूथफुल लुक देने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेची वाली ये फीलिंग वो कर देता है। तो सही है यार, इट्स टू गुड। तो इसको थोड़ा सा पहले हम लोग ड्राई हो जाने देते हैं फिर हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके तो यहाँ पे फॉर मॉइस्चराइजिंग क्रीम यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का ही वाइन लाइटनिंग क्रीम लिया है। इसकी अगर हम लोग पैकेजिंग की बात करते हैं ये बिल्कुल सेम है, ऊपर से एक लीड टैप का आता है जिससे कि कभी कभार क्या होता है ना क्रीम लीक करके बाहर ना निकला है। और इसकी अगर फ्रेगनेंस की बात करें तो बहुत ही सही है यार, ट्रस्ट मी मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा। तो यार अब इसको चलिए अपने फेस पे थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके अपने फेस पे इसको अच्छी तरीके से लगाना है, देन इसको अपने फेस पे हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मसाज करना है। तो मेक श्योर जब भी कभी आप लोग मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो ना अपने फेस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालो और इसको अच्छी तरीके से अपने फेस पे रब कर लीजिए। इससे क्या होता है ना कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है जब भी कभी हम फेस को बहुत अच्छी तरीके से वो सर्कुलर मोशन में इसको रब करते हैं। तो और या अपने फेस के साथ अपने नेक एरिया को बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
सो इसको अच्छी तरीके से हम मसाज कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टेप के बारे में, जो कि है सिरम। तो सिरम के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है गुड वाइब्स का विटामिन सी और B3 सिरम। सिरम की अगर हम लोग एप्लीकेटर की बात करते हैं तो बहुत सही है, लाइक ये जो है ना बिल्कुल ड्रॉपलेट वाले इसमें एप्लीकेटर में ये आता है। तो बस आपको लेना है, थोड़ा सा लेके अपने फेस पे डिप डिप करके आपको लगा लेना है। देन आप इसको अच्छी तरीके से अपने फेस पे धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में आप इसे मसाज करिए। तो मैं आप लोग एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मॉइस्चराइज़र और सिरम दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। मॉइस्चराइज़र जो होता है हमें सिर्फ ऊपर से मॉइस्चराइज़ और क्लीन करने में हेल्प करता है, हमारे फेस को रिफ्रेश करने में। सिरम का काम क्या होता है, हमें बहुत ही यू नो डीपली क्लीन और डीपली मॉइस्चराइज़ करने में हमें हेल्प करता है। तो ये किसी भी स्किन टाइप वालों के लिए बहुत ही परफेक्ट है। आपको डेली रूटीन में सिरम अप्लाई करना ही चाहिए, इससे आपकी स्किन जो बहुत ही ज़्यादा ग्लो लगती है। प्लस बिल्कुल भी अगर आपको पिगमेंटेड एरिया भी अगर आपके स्किन के पे कहीं पर भी, तो इसको भी कवर करने में हेल्प करता है। तो मेरी स्किन ऑयली है लेकिन मेरे स्किन को इसने बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं किया। आप लोग जैसे देख सकते हैं मेरी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा ग्लोई लग रही है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। तो यार डेफिनेटली आप लोगों को डेली अपने इस रूटीन में सिरम को अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी है। सो गाइज आई होप आप लोग मेरा आज के जो स्किन केयर रूटीन का वीडियो था वो पसंद आया होगा। जैसे मैंने आप लोग बताया था ना स्टार्टिंग में, लाइक गुड वाइब्स के जितने भी सारे प्रोडक्ट है वो कितने सही है। लाइक अभी आप लोग जैसे देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा फ्लॉलेस लग रही है। मैंने कोई भी मेकअप नहीं अप्लाई किया, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने अप्लाई नहीं किया मेकअप, मैंने सिर्फ उस अपने ड्रेस को चेंज किया क्योंकि उसमें पानी गिर गया था फेस वॉश करते टाइम। एनीवेज सो या आप लोग भी गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल रेंज में है, SLS पैराबेन सारी चीज़ें के साथ फ्री है। सो या उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। सो या वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकॉन है टिंग 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 नोटिफिकेशन बेल उसको हिट कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करती हूँ उसके नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगे। एंड या आप लोग कमेंट करके प्लीज बताइए कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोगों ने गुड वाइब के प्रोडक्ट्स यूज किए हैं तो आप लोग को कैसा इसका रिजल्ट मिला। एंड या वन मोर थिंग, अब से आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वेकअप टू डू एनीथिंग, जो मेरे चैनल का नाम है, और उसका जो लिंक है वो आप लोग को नीचे शो हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन में। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुर्गा दुर्गा।